इतिहास इस बात का गवाह है कि जमीन के टुकड़े मुल्कों और उसकी आवाम के बीच हमेशा विवाद का कारण बनते रहे हैं। दुनिया की सबसे पवित्र धरती यरूशलेम से जुड़ा एक बरसों पुराना विवाद फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, इसराइल और फिलिस्तीन, जिनका विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है, इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी की कहानी बेहद पुरानी है। जब से इसराइल का जन्म हुआ और जब से फिलिस्तीन बना, इन दोनों के बीच हमेशा टकराव रहा है। तनाव ने हिंसक रुख अख्तियार किया जिसमें कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसराइल एक छोटा सा देश है जिसे चारों तरफ लेबनान, इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया जैसे देश घेर कर खड़े हैं। ये चारों अरब देशों के नाम से जाने जाते हैं। सभी अरब देश इसराइल पर कई दफा मिलकर हमला कर चुके हैं, लेकिन हर बार इन्हें इसराइल से कड़ी टक्कर मिलती आई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि छोटा सा दिखने वाला इसराइल तकनीक, सेना और आर्थिक रूप से इतना ताकतवर है कि वो अकेले दम पर चारों ओर से दुश्मन देशों को चित करने में कामयाब रहा है। अरब देशों का लक्ष्य इसराइल के वजूद को खत्म कर फिलिस्तीन के खोए अस्तित्व को स्थापित करना है। इसराइल को एक आजाद मुल्क बने 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन फिलिस्तीन विवाद की वजह से अब तक कई मुस्लिम देशों ने उसे मान्यता नहीं दी है। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद। 20वीं सदी की शुरुआत से ही यहूदियों को दुनिया के हर कोने में प्रताड़ना, शोषण और निजी हमलों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे हालातों में यहूदी लोगों में अपना एक अलग देश की मांग उठी। इस मांग को ब्रिटेन ने हवा देकर और बल दिया। ब्रिटेन ने यहूदियों के साथ बालफोर का समझौता किया। इसके तहत ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों को जगह देने का वादा किया। यहूदियों के लिए ये जगह काफी पाक मानी जाती रही है। हालांकि ब्रिटेन ने यहूदियों से किया अपना वादा नहीं निभाया, मगर इसी बीच बड़ी संख्या में अलग अलग देशों से आ रहे यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे, जहां उन्होंने अरब लोगों से जमीनें खरीदकर अपनी कॉलोनियां बसानी शुरू कर दी। दूसरे विश्व युद्ध आते आते यूरोप में यहूदियों का जीना दुश्वार हो गया। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के सत्ता में काबिज होते ही यहूदियों के लिए बुरे दिन शुरू हुए। कहा जाता है कि हिटलर ने करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया था। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फिलिस्तीन के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं जहां यहूदी सुरक्षित रह सकें। इधर ब्रिटेन के कब्जे वाले फिलिस्तीन में यहूदी और अरब लोगों का विवाद बढ़ता गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन के बंटवारे की योजना बनाई। इसमें एक अरब और एक यहूदी देश के गठन की सिफारिश की गई। तीसरा इलाका यरूशलम, जो काफी विवादित था, जहां आधी आबादी यहूदी और मुस्लिमों की थी, उस पर इंटरनेशनल कंट्रोल का फैसला लिया गया। अपना पुराना इलाका मिलता देख यहूदियों को ये योजना पसंद आई, मगर अरब लोगों को ये कुछ रास नहीं आया। 1948 में किसी तरह इसराइल देश की स्थापना हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले के ठीक बाद ही अरब देशों के साथ इसराइल का तनाव इतना चरम पर पहुंचा कि 1948 में इसराइल पर इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने मिलकर धावा बोला, लेकिन इसराइल ने चारों देशों को जंग में धूल चटा दी। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष खत्म नहीं हुआ। इसके बाद साल 1967 में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच फिर से एक युद्ध हुआ था। यह युद्ध 6 दिन तक चला। इस युद्ध में भी अरब देशों के खिलाफ इसराइल को ही जीत मिली। 6 दिनों तक सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, तीनों अरब देशों के संयुक्त संगठन ने इसराइल पर हमला किया। इसके बावजूद अकेले इसराइल ने इन तीनों देशों की संयुक्त सेना को तबाह कर दिया। इसके बाद इसराइल ने सीरिया के गोलन हाइट्स नाम के इलाके पर कब्जा कर लिया। वहीं जॉर्डन के वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम नामक हिस्सों को भी इसराइल में मिला लिया, जबकि इसराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप के इलाके छीन लिए। हालांकि 1982 में एक संधि के तहत सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को लौटा दिया।
बदले में मिस्र ने भी इसराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी। ऐसे करने वाला मिस्र पहला अरब देश बना। जब भी अरब देश मिलकर इसराइल पर हमला करते तो बदले में इसराइल उन्हें खदेड़कर नई जमीन पर कब्जा कर लेता था। ऐसा करते करते इसराइल के पास बड़ा हिस्सा आ गया। 70 के दशक में इसराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के चलते फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा यानी PLO का गठन हुआ। इसके संस्थापक यासिर अराफात थे। भारत ने 1974 में इस संगठन को मान्यता दी थी। ऐसा करने वाला भारत दुनिया में पहला गैर अरब देश था। इतना ही नहीं, साल 1978 में भारत ने फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता भी दे दी थी। बहरहाल, जैसे इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष बढ़ता गया तो शांति के प्रयास भी होते रहे, लेकिन उनके बीच अचानक आतंकवाद की एंट्री हुई। 1987 में हमास नाम का एक आतंकवादी संगठन अस्तित्व में आया। इसका मकसद इसराइल से वापस कब्जा लेना था। हमास ने गाजा पट्टी पर अपनी जड़ें मजबूत की हुई हैं। तब से लेकर अब तक हमास और इसराइल के बीच लगातार रॉकेट वॉर तो गुरिल्ला युद्ध चलता ही रहता है। इसकी वजह से अब तक न जाने कितनी जाने जा चुकी हैं। दूर से देखने पर शायद ये महज एक जमीनी झगड़ा दिखे, पर कहीं ना कहीं अंदर ये दोनों समुदाय सदियों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हार मानने का नाम नहीं ले रहे। जहां फिलिस्तीन के लोग अपनी ही जमीन पर वापसी का दावा ठोक रहे हैं, वहीं यहूदी खुद को इसराइल में ही सबसे महफूज समझते हैं। खास बात यह है कि साल 1948 में बना इसराइल 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र में एक पूर्ण सदस्य राज्य के रूप में शामिल हुआ। दिसंबर 2020 तक इसे संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 सदस्य देशों में से 165 यानी 85% देशों ने राजनयिक मान्यता दी है। आज इसराइल ने पूरे यरूशलम को ही अपनी राजधानी घोषित कर दिया है। यहाँ पर यरूशलम विवाद जानना भी काफी अहम हो जाता है। दरअसल यरूशलम यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों के लिए काफी अहमियत रखता है। यहूदियों के लिए धर्म की शुरुआत ही यहीं से हुई है। यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल डोम ऑफ द रॉक भी यहीं पर है। इस्लामी धर्म के लिए अलक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। वहीं ईसाइयों की मान्यता के अनुसार ईसा मसीह को यरूशलम में ही सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं वो दोबारा प्रकट हुए थे। ऐसे में तीनों ही धर्मों की इस जगह पर अपनी अपनी मान्यता है, जिस पर आगे भी विवाद जारी रहने की संभावना जताई जा रही है।